बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। मदन राठौर ने विधानसभा उपचुनाव जीतने का दावा भी किया, साथ ही कहा कि अपनी नई टीम में बड़ा बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन हर कार्यकर्ता को काम मिलेगा। मदन राठौर ने इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि अब विपक्ष संविधान के नाम पर भी भ्रम फैला नहीं पाएगा। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पूरी शक्ति के साथ संगठन को मजबूत बनाने में जुटे हैं। उन्होंने साफ किया कि हर कार्यकर्ता को काम मिलेगा और कार्यकर्ता का सम्मान ही उनके लिए सर्वोपरि है। विधानसभा उपचुनावों को लेकर मदन राठौर ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर घर घर पहुंचेंगे, पार्टी को एकजुट करके पूरी ताकत से विजयश्री के लिए जुटेंगे और सभी सीटों पर जीतेंगे। वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि अब विपक्ष का भ्रम नहीं चलने वाला है। राजस्थान सरकार के बजट और केंद्र सरकार का जो बजट है उसकी योजनाओं को लेकर के हमारा कार्यकर्ता घर घर पहुंचेगा। प्रत्येक घर से हम संपर्क करने वाले हैं, वहाँ उस क्षेत्र में हमने क्या दिया है, क्या किया है, क्या करने वाले हैं, वो सारी सूचना प्रत्येक नागरिक तक हम पहुँचाने का काम करेंगे। राज्यसभा में हंगामा और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास की चर्चा के मसले पर मदन राठौर ने कहा कि सांसद जया बच्चन के शब्द गलत है, उपराष्ट्रपति को हम क्लिक नहीं कर सकते। सोनिया गांधी सांसदों को उकसा रही थी। जया अमिताभ बच्चन वाला कोई इश्यू बनना नहीं चाहिए था, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है, हम कलीग हैं, हमें वो कलीग कह सकती है, उपराष्ट्रपति को और सभापति को कलीग कहना हम नहीं कह सकते हैं, हमारे कलीग है नहीं, वो वरिष्ठ हैं और उनका एक सम्मानित पद है, तो ये बात कहना मैं सोचता हूँ उन्होंने गलती की है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। सोनिया जी उकसा रही थी जब आसन ने किसी प्रश्न के लिए नाम पुकारा, किसी सदस्य का जिसका प्रश्न था, पहला प्रश्न नाम पुकारा, तो उन्होंने इशारा किया कि तुम मत बोलो, अब वो नहीं बोले और फिर हंगामा शुरू हो गया, कांग्रेस एकजुट होकर के हंगामा करने लग गई। मैं सोचता हूं कि अमर्यादित था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं राजस्थान में एक सीट पर राज्यसभा चुनाव होना है। राज्यसभा चुनाव को लेकर मदन राठौर ने कहा कि जल्द कोर कमेटी की मीटिंग होगी और नाम तय करके केंद्र को प्रस्ताव भेजेंगे। ये हमारी कोर कमेटी बैठेगी और कोर कमेटी में विचार करके हम प्रस्ताव भेजेंगे केंद्र को, निर्णय केंद्र को करना है, केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय करना है। वहीं बांग्लादेश की घटना पर मदन राठौर ने कहा कि हिंदुस्तान में बांग्लादेश जैसा क्राइसिस संभव नहीं, बांग्लादेश की सरकार इस व्यवस्था को समझ नहीं सकी। वहीं उन्होंने कहा कि पीड़ित हिंदुओं को भारत सरकार शरण देगी। वहां पर जो कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गलत हुआ, वहां की सत्ता ने भी शायद इस व्यवस्था को समझा नहीं। जैसे हमने कहा है कि प्रताड़ित कोई भी आएगा हमारा बांग्लादेश से भी तो हम उनको लेंगे, ये हमने पहले ही घोषणा कर रखी है। मदन राठौर कूल कस्टमर की तरह बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आगे बढ़ रहे हैं। एक बात वो लगातार कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलेंगे, हर बड़े नेता और हर गुट को साथ कर चलेंगे। इसका अर्थ साफ है कि अपने पूर्व अध्यक्षों की शैली से विपरीत उनकी शैली रहने वाली है। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।